डालचा बगारा खाना। इसके लिए हमने ली है चने की दाल, इसे एक कप, इसको 20 मिनट के लिए भिगा के रख दी थी मैं। चलिए अब हम इसको 3 से 4 सीटी होने तक इसको हम गला लेंगे। 4 सीटी लगाकर इससे एक कप पानी डाली हूँ और बस गला लेंगे। चलिए अब हम गोश्त लिए हैं, 250 ग्राम गोश्त ले ली हूँ और इसके साथ हम लेंगे प्याज एक बॉईल भरकर। अभी डालें हरी मिर्च कुटी हुई ली हूँ मैं, हरी मिर्च बारीक पीस कर 6 से 7 हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें। और हम अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ मैं 1.5 चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद हम फिर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली हूँ, इसीलिए लाल मिर्ची में मैं 1/2 टीस्पून ली हूँ। अब मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून। चलिए अब हम इसमें एक बॉइल भरकर पानी डाल देंगे, डालकर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। से 3 टीस्पून ऑयल डाल दूंगी इसमें। डालकर हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, हम फ्लेम को फुल पर रखेंगे। रखकर हम इसका ढक्कन लगा देंगे। 4 से 5 सीटी हो गए हैं फुल ऑन, को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद देखिए 4 से 5 सीटी होने के बाद ये इस तरीके से बन चुका है। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलाकर मैं 4 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज के। अब हम टमाटर डाल देंगे। हम इसको टमाटर डालकर और 2 सीटी लगा लेंगे। चलिए अब फ्लेम को, अब इसका ढक्कन हम निकाल चुके हैं। देखिए टमाटर अच्छे तरीके से गल गए। मैं ये टमाटर डालने के बाद 2 सीटी फुल पर और 1 सीटी कम पे दी हूँ, उसको अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से गल गई है, अच्छे और भूनेंगे। देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं आप प्याज टमाटर अच्छे तरीके से भुने गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी दाल पीसी हुई, चने की दाल पीसी हुई, हमने स्पष्ट गला लिया था ना, वो हम डाल देंगे इसमें। और चूल्हे का फ्लेम आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने कद्दू को नमक डालकर अलग से पका ली हूँ। इसको अच्छा गलने तक पका ली हूँ मीडियम आंच पर रखकर। हम ये भी डाल देते हैं, इसके बाद उसको अच्छे से मिला लें। इसको 2 मिनट के लिए फिर पकने देते हैं। 2 मिनट डालकर पका ली हूँ, उसको अच्छे से मिला कर उसका फ्लेम को अब हम स्लो पे करकर एक बार अच्छे से मिला के इसके छोटे छोटे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे
मैंने इमली को भिगाकर इसका खट्टा निकाल लिया। मैंने इतनी सी इमली ली थी, उसको भिगा ली हूँ, भिगा कर उसका पल्प निकाल ली हूँ। चलिए अब हम इसको अच्छे से साइड से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितना गाढ़ा होता है उस हिसाब से हम इसको गाढ़ा कर लेंगे और फ्लेम को हम फुल पर कर देंगे। अब हम इसमें आधा टीस्पून होममेड गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको फुल फ्लेम पे इसमें खोल आने तक पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोथमीर, करिया पाक और पुदीना। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर आपको देखिए आपको कितना गाढ़ा रखना है वो हिसाब से आप रख लें। इसकी कसरत है कितनी गाढ़ी होना है देख लें। अब हम इसमें इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। डालने के बाद थोड़ा कम नमक कम होता है मेरे हिसाब से, थोड़ा कम है, इसमें मैं आधा टीस्पून नमक ऐड करूंगी। इसको अब मीडियम आंच, इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा दालचा रेडी है बनकर, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आप देख सकते हैं। चलिए अब बघारा खाना हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से लाल कर ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चलिए देख सकते हैं प्याज पूरा भूनने पे आ गई है और अदरक लहसुन भी पूरा अच्छे से हो गया है। अब हम फ्लेम को कम करके एक गिलास से मैं 1.5 गिलास चावल ली हूँ, 1 गिलास से मैं 5 गिलास पानी डालूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इसमें डालेंगे पानी में 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा शाही जीरा और थोड़ी सी इलायची, दालचीनी का पट्टा और शाही जीरा, तो इलायची। ये पानी में खोल आ गया है। अब फ्लेम को स्लो पे करकर अब इसमें चावल डाल देंगे। मैंने 2.5 गिलास चावल ली थी और 5 गिलास पानी डाली हूँ। फुल पर कर लेंगे कर। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर आधा कट्टा कोथमीर, आधा कट्टा पुदीने का हम इसमें डाल देंगे। दो साबित हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे। चलिए अब देख सकते हैं आप, मैं इसको बीच में 1-2 बार मिला ली हूँ। देख सकते हैं अब चावल करीब हो गए हैं होने के, आप चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा पानी है इसमें, अब हम इसको थोड़ा ढक कर पकाए तो ये हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। माशाल्लाह हमारा खाना बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।